कौन है ये अभिनेता जिसकी आंधी की रफ्तार से उड़ गई कांग्रेस, जिनकी तारीफ में संसद में खड़े मोदी ने भी पड़े कसीदे। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का दावा किया। हाल ही में पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक, जिसमें उन्हें संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी इंडिया गठबंधन पर अटैक और ईवीएम जैसे कई मामलों की चर्चा की। अलग अलग राज्यों में एनडीए के अच्छे प्रदर्शन पर भी उन्होंने बात की। अपने इसी भाषण के बीच नरेंद्र मोदी ने एक तेलुगु सुपरस्टार का जिक्र कर दिया और उनकी तारीफ के कसीदे पड़े। दरअसल हम बात कर रहे हैं तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने और पावर स्टार अभिनेता पवन कल्याण की। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संबोधन के दौरान एनडीए में शामिल जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये पवन नहीं आंधी है। अरे जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है, हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिज्ञासा है उसका प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने जिस समय ये बात कही, पवन कल्याण उस समय मंच पर ही बैठे हुए थे। इस दौरान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बता दें इस बार आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां उन्होंने सारी की सारी सीटें जीत ली। यही वजह है कि संसद में खड़े होकर मोदी ने पवन कल्याण को आंधी कह डाला। इससे पहले पवन कल्याण ने कहा कि मोदी जी आप देश को प्रेरित करते हैं, जब तक आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। बताते चलें कि पवन कल्याण राजनीति में काफी एक्टिव हैं। उन्होंने जनसेना पार्टी के पीठापुरम सीट पर चुनाव लड़ा था और भारी वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली। उनके जीतने की वजह से पूरे आंध्र प्रदेश में जश्न का माहौल है। मालूम हो कि देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं, बीजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीओ को 12, शिवसेना को 7 और लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली। वहीं जेडीएस, आरएलडी, जेएसपी को 2-2 सीटें मिली। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।